एंड एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पड़ियार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जीवों को उनकी शारीरिक रचना, रूप व कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। जीवों का यह वर्गीकरण एक निश्चित पदानुक्रमिक दृष्टि से किया जाता है। अर्थात जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, वंश और जाति के पदानुक्रम में किया जाता है। इनमें सबसे उच्च वर्ग जगत और सबसे निम्न वर्ग जाति होती है। अतः किसी भी जीव को इन 6 वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने जीव जगत को 2 समूहों, वनस्पति व जंतु जगत में विभाजित किया था। उसके बाद लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचर में सभी जीवधारियों को पादप व जंतु जगत में वर्गीकृत किया था। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत हुई। 1969 में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली की जगह विटेकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत प्रणालियों ने ले लिया। विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगतों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतुओं में विभाजित किया। सबसे पहले देखते हैं मोनेरा जगत को। इस जगत में प्रोकैरियोटिक और अर्थात जीवाणु, आर्किबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। इस जगत के जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीन काल से हैं। मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना रहती है, जैसे मिट्टी, जल, वायु और गर्म जल के झरने तथा हिमखंडों की तली आदि। मोनेरा जगतों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया अधिकांश स्वपोषी होते हैं और अपनी ऊर्जा चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रासायनिक ऊर्जा के स्रोतों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। इन गैसों की मौजूदगी में ये अपना स्वयं का अमीनो अम्ल बना सकते हैं। इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मेथनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स। यू बैक्टीरिया में प्रायः झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक आदि कोशिकांग नहीं होते हैं। न्यूक्लियोट एकमात्र गुणसूत्र की तरह काम करता है। प्रकाश संश्लेषण व इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण प्लाज्मा झिल्ली पर ही किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत, इसमें विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जैसे एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ और एक कोशिकीय कवक आदि सम्मिलित होते हैं। एक कोशिकीय कवक क्लोरेला, युगलिना, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, क्लामिडीमोनास आदि इसके उदाहरण हैं। ये स्वपोषी होते हैं। जगत को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत का महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है, जो तालाबों, झीलों आदि में पाया जाता है। अमीबा के भीतर संचरण के लिए पादाब उपस्थित रहते हैं, जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करता है तथा अमीबा के पादाब इसे भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। एंट अमीबा, अमीबा की ये प्रजाति मनुष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, जिससे मानवों में कई बार अमीबीय पेचिश रोग पैदा हो जाता है। इसकी एक साधारण प्रजाति को हिस्टोलिका कहा जाता है। इसका आकार व बनावट अमीबा के समान नहीं होता है। अधिकांश ये प्रदूषित जल में पाए जाते हैं। यदि मनुष्य इस जल का सेवन करता है तो वह संक्रमित हो जाता है। प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा जगत के इस परजीवी को मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है। इसका जीवन चक्र 2 मुख्य प्रावस्थाओं में संपन्न होता है, जिसमें ये लैंगिक जनन प्रावस्था मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा की जाती है, जो मलेरिया वाहक कहलाती है, एवं अलैंगिक जनन प्रावस्था मानव के रक्त द्वारा संपन्न की जाती है। युगलिना, यह जीव गंदे स्थानों जैसे नाले, गड्ढे, गंदे पानी के जलाशयों आदि में उपस्थित रहता है। इस जीव का बाहरी आवरण बेहद लचीला होता है, जिसे पेलिकल कहा जाता है, और यह प्रोटीन से निर्मित होता है। परासरण नियमन के लिए इसमें धानी मौजूद रहती है, जो प्राय संकुचनशील होती है। डायटम, यह जीव मिट्टी, जल एवं गीली जगहों पर पाया जाता है। इसकी हजारों की संख्या में प्रजातियां जल में स्थित रहती है, जो जलीय प्राणियों का भोजन करती है। डायटम तंतु के रूप में विद्यमान हो सकते हैं, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कवक जगत की। इसमें वे पौधे सम्मिलित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते। कुछ कवक जैसे पेंसिलियम अपघटक होते हैं और मृत पदार्थों से पोषक तत्व लेते हैं। ये परपोषी और यूकैरियोटिक होते हैं।
कुछ कवक परजीवी होते हैं और जिस पौधे पर रहते हैं उसी से अपने लिए पोषक पदार्थ लेते हैं। इनमें भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कवकों के उदाहरण गीस्ट, मशरूम, दीपक इत्यादि है। फाइकोमाइसिटिस, इस प्रकार के कवक गीले एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे सड़ी हुई लकड़ी अथवा सीलन युक्त स्थान आदि। इनमें अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा जनन होता है एवं युग्मकों के मिलने से युग्मानु निर्माण होते हैं। एस्कोमाइसिटिस, इस प्रकार के कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों ही हो सकते हैं। इन्हें थैली कवक भी कहा जाता है। न्यूरोसपेरा इसका अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रयोगों के अंतर्गत किया जाता है। इनमें भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। एसिडियोमाइसिटिस, ये कवक विभिन्न प्रकार के पौधों पर परजीवियों के रूप में विकसित होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते तथा इनके साधारण उदाहरण मशरूम और पफबॉल इत्यादि है। इनमें द्वि केंद्रक संरचना का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर रेसिडियम का निर्माण होता है। ड्यूटीरोमासिटिस, इस प्रजाति को अपूर्ण कवक की सूची में रखा गया है क्योंकि इसकी लैंगिक प्रावस्था के अलावा और कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया है। लाइकेन, लाइकेन को कवक के सहजीवी के रूप में माना जाता है क्योंकि यह कवक के विकसित होने में सहायता करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पादप जगत की। पादप जगत में बहुकोशिकीय पौधे शामिल होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें लवक मौजूद होते हैं। ये सपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, तथा इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी हुई एक केंद्रीय रित्तिका यानी रसदानी पाई जाती है। ये पौधों के लिए भोजन को स्टार्च और लिपिड्स के रूप में संचय करते हैं। शाखाओं के कारण इनका आकार भी निश्चित नहीं होता तथा इन पादपों की वृद्धि सीमित नहीं होती। पादप जगत को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार को इस श्रेणी में रखा गया है। शैवाल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लाल, भूरा और हरा शैवाल। ब्रायोफाइटा, पौधे जमीन और पानी दोनों में होते हैं, लेकिन लीवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स, मॉस आदि की तरह उभयचर होते हैं और ये पौधे सपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ट्रैकियोफाइटा, इन पौधों में संवहनी उत्तकों का अच्छा विकास होता है और ये जाइलम और फ्लोएम में बंटे हुए होते हैं। ट्रैकियोफाइटा निम्नलिखित 3 उपसमूहों में विभाजित किए जाते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं जंतु जगत की। जंतुओं में भित्ति रहित यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ये परपोषी होते हैं। जंतु प्राय एक निश्चित रूप व आकार के होते हैं। ज़्यादातर जंतु चलायमान या मोटाइल होते हैं। इनमें जंतुओं की वृद्धि सीमित होती है तथा जंतुओं में उत्तक, कोशिका, अंग व अंग प्रणाली के क्रमिक स्तर पाए जाते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ में आने वाले सभी प्राणी खारे पानी में निवास करने वाले होते हैं। अधिकांश ये बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें नियमित रूप से उत्तक नहीं बनते। इनके बाह्य शरीर पर हजारों की संख्या में छिद्र होते हैं व एक स्पंज गुहा होती है। इनके उदाहरण स्पंज, मायोनिया इत्यादि हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में शामिल जंतु भी जलीय व द्विस्तरीय वाले माने जाते हैं। इनके मुंह के पास धागे के जैसे तंतु होते हैं जो इन्हें भोजन पकड़ने में मदद करते हैं, जैसे जेलीफिश और हाइड्रा इत्यादि। प्लैटीहेलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस का शरीर त्रिस्तरीय होता है किंतु इनमें कोई गुहा नहीं होती। इनका पाचन तंत्र पूर्णतः विकसित नहीं होता तथा पीछे से शरीर चपटा होता है। इनको उभयलिंगी जंतु भी माना जाता है एवं इनमें कंकाल तंत्र, परिवहन तंत्र आदि नहीं होते। इसके उदाहरण लीवर, फीताकृमि इत्यादि हैं। एस्केलेमिंथिस, एस्केलेमिंथिस की आकृति बेलन के समान व लंबी होती है। ये कृमि अखंडित होते हैं एवं इनका शरीर 3 स्तरीय होता है। इनमें भोजन, नाल, गुदा एवं मुख तीनों स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। इनका तंत्रिका तंत्र विकसित किंतु परिवहन व श्वसन अंग नहीं पाए जाते। इसके उदाहरण थ्रेडवर्म, एस्केरिस इत्यादि हैं। एनिलीडा, एनिलीडा का शरीर पतला, लंबा व कई खंडों में विभाजित रहता है। इनकी भोजन नली पूर्ण रूप से विकसित होती है। इन जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया त्वचा द्वारा होती है किंतु कुछ जीवों में क्लोम द्वारा श्वसन भी होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है एवं वृक्क के द्वारा उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। ये एक लिंगी व उभयलिंगी हो सकते हैं एवं इनका रक्त लाल होता है। इसके उदाहरण जोंक, नैरिस व केंचो इत्यादि है। ऑर्थोपोडा जंतुओं का शरीर सिर, छाती व पेट अर्थात 3 भागों में विभक्त होता है। इनके शरीर में उपस्थित गुहा को हीमोसोल कहते हैं। ये अधिकांश एक लिंगी होते हैं तथा इनके उदाहरण तिलचट्टा, केंकड़ा व मच्छर इत्यादि हैं। मोलस्का, मोलस्का जंतुओं का रुधिर रंगहीन होता है व इनकी देह भी 3 भागों में विभाजित रहती है।
इसके अंतर्गत सीपी, घोंगा इत्यादि आते हैं। एकिनोडर्म, एकिनोडर्म समूह के अधिकांश जंतु जलीय होते हैं। इनमें नालपात द्वारा भोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अंतर्गत स्टारफिश, सी अर्चिन आते हैं। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इस श्रेणी के जंतुओं में नोकोकॉर्ड व तंत्रिका रज्जू जो कि नालीदार होती है भी पाया जाता है। इस समूह को 13 भागों में बांटा गया है जिसके अंतर्गत मत्स्य, एम्फीबिया, पक्षी, सरीसृप व स्तनी आदि शामिल होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।